पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऐसी बर्बर घटना के विरोध में एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। जबलपुर में होने वाली मध्य प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निर्देश दिए कि बैठक और उसके बाद होने वाले कार्यक्रम सादगी से किए जाएं। प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट ने यह जानकारी दी। जबलपुर के सिहोरा निवासी अश्विन कुमार भी उस बस में अन्य जवानों के साथ सवार थे जिस पर यह हमला हुआ। हमले में अश्विनी भी शहीद हुए हैं। वित्त मंत्री प्रियव्रत सिंह ने जहां हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, वहीं यह भी कहा कि आतंक के खिलाफ हमें सर नहीं झुकाना चाहिए और सेना को इसके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ये दुखद घटना हुई है पुलवामा की, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए हैं और निश्चित रूप से मैं उनकी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करेगा। साथ साथ ही आज पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के से लड़ने वाले इन अमर शहीदों के साथ खड़ा है और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सभी को आज के दिन ये याद रखना चाहिए कि हमारे वो भाई जो हमारी सीमा की रक्षा के लिए कश्मीर में तैनात थे, उन्हें इस देश के लिए, इस देश की माटी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उनके परिवारों के प्रति हम सब लोगों को पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए और मध्य प्रदेश शासन की ओर से जो अश्विनी जी हैं उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है और साथ साथ ही आज मैं स्वयं उनके निवास पर पहुंचूंगा और हमारे वित्त मंत्री जी भी साथ में जाएंगे और परिवार को हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे और इस दुख, ये बहुत ही एक हम सब लोगों के लिए बड़ी दुख की घड़ी है और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। भाई, जब एक बार फिर से देश जो है मांग कर रहा है कि जैसी सर्जिकल स्ट्राइक की कार्रवाई हुई थी वैसी ही कोई कार्रवाई होना चाहिए आपके? देखिए, आतंकवाद से हमें लड़ना होगा। अब ये टैक्टिकल चीज़ें हैं, मैं मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ तो इसमें मैं कोई कमेंट करूँ, मुझसे बेहतर जानकारी रखने वाले हमारे थल सेना के जो ऑफिसर्स हैं और जो वहाँ पे और पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं और जो लोग इस काम को देखते हैं, उन लोगों को से सिर्फ इतना अनुरोध हम लोगों का रहेगा कि आतंकवाद के सामने हमें सर नहीं झुकाना है। शहीद अश्विनी को सलाम। निश्चित तौर पर सामान्य व्यक्ति ये नहीं कर सकता जो उनने करके दिखाया। आर्म्ड फोर्सेस में नौकरी करना, हमारी सीमाओं की रक्षा करना और कर्तव्य का निर्माण करते करते शहीद हो जाना, यह हर आदमी के बूते की बात नहीं है। ऐसे वीर शहीद को मैं अपनी ओर से, संस्कारधानी जबलपुर की समस्त जनता की ओर से, मध्य प्रदेश की समस्त जनता की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके परिवार को ईश्वर इतनी शक्ति प्रदान करे कि वो इस गहन दुख को सहन कर सके और मैं आशा और अपेक्षा रखता हूँ केंद्र सरकार से भी कि हमारे शहीदों का खून व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आज पूरा देश उद्वेलित है, सबके मन में क्रोध है कि हमारे जवान इस प्रकार से शहीद हो रहे हैं। आतंकवाद पर रोक लगना चाहिए, इसका जड़मूल विनाश होना चाहिए। जो हमारी सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से बन सकेगा वो हम परिवार के लिए ज़रूर करेंगे। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय ने भी आपको बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की राशि परिवार को दी जाएगी और इसके बाद भी अगर किसी प्रकार की और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो उस परिवार की मांग होगी, व्यक्तिगत तौर पर जाकर हम उनसे मुलाकात भी करेंगे, वह भी हम शासन की ओर से करने का उनको भरोसा दिलाएं। नहीं, कैबिनेट की बैठक में कोई बदलाव नहीं है। कैबिनेट की बैठक तो होगी, ये ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सारा कार्यक्रम जो है, कैबिनेट की बैठक तो सरकारी है, उसके बाद भी जो कार्यक्रम है सब सादगी से होना चाहिए। स्वागत सत्कार नहीं होना चाहिए, फूल मालाएं और किसी भी अन्य प्रकार का, इस प्रकार का जो
चीज़ें हैं वो नहीं होना चाहिए। पीड़ित परिवार के लिए कोई नौकरी सरकार की तरफ से? शासन की नीति है और नीति के अनुसार प्रत्येक शहीद की मदद करने के लिए सरकार काम करेगी। जो होगा, मैंने पहले भी कहा, उस परिवार की मदद करने के लिए हम करेंगे।